Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to start the new topic, that is testing of three-phase induction motor. And we are first describing the first test, that is stator resistance test in three-phase induction motor in this episode. Okay. Any customer while taking the three-phase induction motor from the industry, means purchasing the three-phase induction motor from the industry, then he must ensure the resistance of three-phase induction motor is within the specified limits or not. That is, he must conduct the resistance test of three-phase induction motor. Okay, so what is the purpose of testing of three-phase induction motor? We are describing first. Means why this stator resistance test is important in three-phase induction motor. तो देखो स्टेटर रेजिस्टेंस हम क्यों देखते हैं, मतलब किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो थ्री फेजेस है तो हर एक फेज का रेजिस्टेंस रहता है, मतलब थ्री फेज वाइंडिंग रहती है स्टेटर वाइंडिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो उसका रेजिस्टेंस रहता है, पर फेज रेजिस्टेंस रहता है, बराबर है, ठीक है। तो वो जो पर फेज रेजिस्टेंस है वो विद इन लिमिट है या नहीं, मतलब हर एक फेज का जो पर फेज रेजिस्टेंस है वो विद इन लिमिट है या नहीं, क्योंकि अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आपकी जो इफिशियंसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वो भी कम हो जाती है और जो कॉपर लॉसेस है वो बढ़ते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस इज डिपेंड ऑन आई स्क्वेयर आर, मतलब आई स्क्वेयर आर लॉसेज जो है तो वहाँ रेजिस्टेंस की टर्म आती है आर टर्म, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो आई स्क्वेयर आर लॉसेज भी बढ़ते हैं, तो कॉपर लॉस ज़्यादा होने के कारण इफिशियंसी कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जो है स्टेटर का रेजिस्टेंस वो विद इन लिमिट्स ही होना चाहिए, ठीक है। सो स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट इज टू चेक द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग पर फेज इज विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशन और नॉट। इफ इट इज बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट इट विल इंक्रीज कॉपर लॉस एंड विल रिड्यूस द इफिशियंसी एज द रेजिस्टेंस मे अफेक्ट द लाइफ ऑफ मोटर। रेजिस्टेंस आपके मोटर के लाइफ को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली। Hence, accurate and precise measurement of resistance of each phase winding is necessary. And if the resistance, if your resistance is found excess, means three-phase induction motor resistance found excess, then in that case, necessary actions must be taken to bring the resistance within the permissible limit. Okay. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसे लिमिट में आपको ब्रिंग करना है, ठीक है। मतलब कस्टमर को ये टेस्ट कंपल्सरीली करनी चाहिए, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट व्हाइल परचेसिंग द थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है। अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ थ्री स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज केल्विन ब्रिज मेथड, लेकिन वो जो मेथड मैंने अभी दो डिस्क्राइब किए व्हीटस्टोन ब्रिज केल्विन ब्रिज, वो बहुत ही स्मॉल रेटिंग के जो मोटर्स है जिनका रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम ऐसा रहता है, तो इन दैट केस वो एप्लीकेबल है। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस टू मेथड्स आर यूज, फर्स्ट इज डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड एंड सेकंड इज बाय प्रिसाइज एंड हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर हैविंग रिजोल्यूशन 0.0001 ओम। तो इतना, मतलब ये जो रिजोल्यूशन है 0.0001 ओम का, अगर ऐसा आपके पास मल्टीमीटर है तो आप डीसी रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं और फिर वो डीसी रेजिस्टेंस एसी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है, क्योंकि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में फर्क रहता है, क्योंकि एसी रेजिस्टेंस में स्किन इफेक्ट रहता है और स्किन इफेक्ट की वजह से जो करंट फ्लो होता है, मतलब एसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, तो वो आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस पर वो फ्लो होता है, मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ सरफेस है वहाँ वो करंट फ्लो होता है और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मतलब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एसी रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है, यहाँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एसी रेजिस्टेंस ही डिटरमाइन करना है, लेकिन बाय डीसी रेजिस्टेंस मेथड, मतलब पहले डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके वो एसी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे, कि जो आपका डीसी रेजिस्टेंस आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है विथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 ड्यू टू स्किन इफेक्ट, और उससे वो मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रेजिस्टेंस एसी रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर मिलेगा, ठीक है।
तो एक है मल्टीमीटर मेथड। तो मल्टीमीटर मेथड से बहुत ही आसान है रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना, एंड इट इज़ आल्सो जनरल प्रैक्टिस टू यूज दिस लो वोल्टेज डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड अल्सो। ठीक है, तो ये डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड अभी हम देख लेते हैं। मल्टीमीटर मेथड आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीटर के जो टर्मिनल्स है, तो दोनों टर्मिनल्स की मदद से आपको हर एक फेज वाइंडिंग का मतलब वाइंडिंग पर फेज जो भी है, तो उसका रेजिस्टेंस पर फेज आपको डिटरमाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड, तो इससे कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो देखते हैं। अगर डीसी वोल्टमीटर एमीटर मेथड में, मतलब आप स्टेटर अगर आपका स्टार कनेक्टेड है और स्टेटर अगर डेल्टा कनेक्टेड है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलीज आएंगे। तो वो कौन सी फॉर्मूलीज है वो अभी हम देखते हैं। तो देखो, अगर आपका स्टार कनेक्टेड स्टेटर है, तो स्टार कनेक्टेड स्टेटर के लिए ये देखो, स्टेटर स्टार कनेक्टेड है, ये मैंने सर्किट यहाँ फॉर्म किया है। एमीटर कनेक्ट किया है, एक फेज वाइंडिंग को एमीटर कनेक्ट किया है, और दो फेज वाइंडिंग के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, मतलब दो वाइंडिंग के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, और एक एडजस्टेबल रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया है। और किसी भी दो फेज को, मतलब आर फेज, वाई फेज, बी फेज में किसी भी दो फेज को आपको लो वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना है। एंड केयर मस्ट बी टेकन दैट दिस डीसी सप्लाई मस्ट बी ऑफ वेरी वेरी लो वैल्यू, क्योंकि आपकी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो एसी सिस्टम के लिए ही डिजाइन हुई है। लेकिन ये डीसी सप्लाई देके हम इजीली ये V बाय आर मतलब रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ। इसलिए हम बहुत ही कम से कम लो वोल्टेज डीसी सप्लाई यहाँ एप्लीकेबल मतलब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी मोटर डैमेज नहीं होगी, आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लो वोल्टेज डीसी सप्लाई आपको प्रोवाइड करना है दो फेज वाइंडिंग के बीच में, मतलब वो आर वाई में हो, वाई बी में हो, या तो फिर आर बी में हो, किसी भी दो वाइंडिंग में आपको लो वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना है। ये स्टार कनेक्टेड स्टेटर है, तो यहाँ कैसे आएगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा, ये एडजस्टेबल रेजिस्टर क्यों प्रोवाइड किया है, ये जो करंट है डीसी करंट, वो ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए, कम से कम डीसी करंट आपको फ्लो करना है यहाँ, और लो वोल्टेज का डीसी सप्लाई वहाँ देना है। ठीक है, तो ये एडजस्टेबल रेजिस्टर फॉर प्रोटेक्शन हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। ठीक है, और ये है रोटर, ये स्टेटर और ये रोटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, मेजर रेजिस्टेंस जो आप करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, मेजर रेजिस्टेंस आरएम जो रहेगा, जो आप मेजर करेंगे, तो वो कैसे मेजर करेंगे, ये वोल्टेज की जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर पर और एमीटर पर करंट की जो रीडिंग आएगी, तो उससे आपको ये मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा, ये दो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मिलेगा, मेजर रेजिस्टेंस। और आपको डिटरमाइन करना है कि रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, तो ये आरएम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2R। 2R क्यों मिलेगा, इसका भी रेजिस्टेंस मिलेगा, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और दूसरी वाली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा V बाय आई वो रहेगा 2R। और आपको एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ देखना है, तो आर पर फेज, मतलब किसी भी एक वाइंडिंग, किसी भी एक फेज की, मतलब रेजिस्टेंस पर फेज अगर आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये अगर 2R है तो यहाँ आप करेंगे RM/2, मतलब 2R/2, तो आपको मिलेगा ये रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, मतलब ये मेजर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स रेजिस्टेंस पर फेज था, जो आपने कैलकुलेट यहाँ से डिटरमाइन किया वी बाय आई से, तो उसको डिवाइड बाय 2 अगर आपने किया, तो आपको रेजिस्टेंस पर फेज मिलेगा। तो ये डीसी रेजिस्टेंस पर फेज मिलेगा, और उसे आपको कन्वर्ट करना है एसी रेजिस्टेंस पर फेज में, तो ये जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस पर फेज की, इसे आपको 1.26 से मल्टीप्लाई करना है अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो, और अगर ट्रांसफार्मर है तो 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। स्किन इफेक्ट वेरी होता है, मतलब ट्रांसफार्मर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.6 और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.25, इतना आप नोट करें। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर 1.6 भी लेते हैं, और इट इज जनरल प्रैक्टिस 1.25 भी लेते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक जो डिजाइन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उससे आपको ये जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस पर फेज की, डीसी रेजिस्टेंस पर फेज की, तो उसे मल्टीप्लाई करना है और एसी रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो स्टार कनेक्टेड स्टेटर में अभी हमने डिस्कस किया, अभी देखते हैं डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के बारे में। ठीक है, तो देखो डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर में क्या होगा, जो आपका मेजर रेजिस्टर्स आर एम आएगा, मतलब वी बाय आई, ये जो आपका रीडिंग आएगा वोल्टेज आप
नोट कर, वहाँ से आप डायल वोल्टेज का जो पॉइंटर है वो आप दिखाएगा आपको वोल्टेज, और करंट दिखाएगा ये एमीटर। तो वोल्टेज बाय करंट आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्टेटर जो है ये अभी डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये क्लोज लूप अभी यहाँ फॉर्म कर रहा है स्टेटर। तो इसकी वजह से ये तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही आपको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी आपको सिर्फ ये आर फेस का ये रेजिस्टेंस ऐसा है, आपने डीसी सप्लाई यहाँ दो इसी फेस को दिया, मतलब दो फेस के बीच में दिया, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ यहाँ सब कुछ देखो, ये दो जो कनेक्शन है वहाँ तीनों रेजिस्टेंस ज्वाइन है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम यहाँ फॉर्म हुई है, इसलिए ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको वी बाय आई मिलेगा, ठीक है, जो आप मेजर करेंगे। तो वो क्या रहेगा, यहाँ ये जो आर है, मतलब ये आर मल्टीप्लाई बाय ये दोनों रेजिस्टेंस, मतलब 2R डिवाइडेड बाय R+2R, क्योंकि देखो ये जो रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं इसके पैरेलल में ये दो रेजिस्टर्स है, ठीक है, आर पैरेलल टू 2R, मतलब ये कैसा है, आर इज पैरेलल टू 2R, तो इसे मैंने किया आर इंटू 2R डिवाइडेड बाय R+2R, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ अभी 2R² बाय R+2R मीन्स 3R, मतलब 2/3R। तो आपको क्या मिला अभी, मेजर रेजिस्टेंस आर एम इज इक्वल टू 2/3 रेजिस्टेंस पर फेज, तो रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, मतलब 3/2 RM, ठीक है। तो ये मिला आपको डीसी रेजिस्टेंस पर फेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। इस डीसी रेजिस्टेंस को भी आप एसी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करें ताकि आपको एसी रेजिस्टेंस पता चले थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का। तो ये थी स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बहुत ही सिंपल टेस्ट है स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, तो ये आपको अभी नोट डाउन करनी है, ठीक है, मतलब मैंने जो भी कहा तो आप आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, थैंक यू।